Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 17th and our today's topic is we are reading about planets. Our next planet is Saturn, means Sunny. Saturn is the quite similar to the Jupiter in size. जो Saturn ग्रह हमारा planet है वो जुपिटर के साइज़ के सिमिलर होता है. मास और कंपोजिशन, साइज़ मास और कंपोजिशन तीनों उसकी जुपिटर के इक्वल होती है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर फैमिली. यह सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारी सोलर फैमिली का. इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स वेरी यूनिक एंड स्पेशल सिस्टम ऑफ रिंग्स. यह यूनिक है, अलग दिखाई देता है इसके जो रिंग्स हैं, ये बड़े जो रिंग्स बने हुए हैं इन रिंग्स के कारण. दीज रिंग्स गिव इट ए ब्यूटीफुल अपीयरेंस. ये रिंग्स इसको बड़ी सुंदर अपीयरेंस देते हैं. दीज रिंग्स कैन बी सीन क्लियरली ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. ये रिंग्स जो हैं केवल टेलीस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देते हैं. सैटर्न इज नोन टू हैव 62 नेचुरल सैटेलाइट एंड मून्स ऑफ इट्स ऑन. सैटर्न के 62 नेचुरल सैटेलाइट और मून्स हैं खुद के अपने. नेक्स्ट वी हैव यूरेनस. यूरेनस मीन अरुण. यूरेनस इज ऑल्सो ए वेरी लार्ज प्लैनेट. यह भी बहुत बड़ा प्लैनेट है. इट इन फैक्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर. यह थर्ड लार्जेस्ट है. इस डायमीटर इज़ ऑलमोस्ट 4 times देन दैट ऑफ द अर्थ. इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के 4 times बड़ा है. दैट मीन्स इट कैन कंटेन एज मैनी एज नियरली 64 अर्थ इन इट. मीन्स यह 64 अर्थ अपने अंदर समा सकता है. हाइड्रोजन एंड मीथेन हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द एटमोसफियर ऑफ प्लैनेट. दिस प्लैनेट हाइड्रोजन और मीथेन गैसेज जो हैं वो इसके एटमोसफियर में पाई गई हैं. दिस प्लैनेट इज ऑब्जर्व टू हैव ए ब्लू ग्रीन कलर. इसका ब्लू ग्रीन कलर है. इट इज़ बिलीव टू बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन इट्स कोल्ड क्लियर एटमोसफियर. यह मीथेन गैस के इसके एटमोसफियर में प्रेजेंट होने के कारण होता है. इट्स नॉर्थन हेमिस्फियर रिमेन्स इन द 4 decades long periods of darkness because of the way the planet rotates. इसका जो northern hemisphere है वो 4 decade long period तक darkness में रहता है क्योंकि ये इसके rotation के कारण. So far 27 satellites or moons of Uranus have been discovered. इसके अब तक 27 satellites और moons जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं. नेक्स्ट द लास्ट वन नेपच्यून मींस वरुण. नेपच्यून इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सन एंड इज़ विजिबल ओनली थ्रू ए टेलीस्कोप. नेपच्यून जो है बहुत सबसे ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है सन से और केवल टेलीस्कोप की हेल्प से ही उसे देखा जा सकता है. इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द रोमन सी गॉड नेपच्यून. यह रोमन सी गॉड के नाम पे इसका नाम नेपच्यून रखा गया है. नेपच्यून हैज़ 14 सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट. नेपच्यून के 14 सैटेलाइट्स हैं जो इसके चारों ओर घूमते हैं. वी डो नॉट हैव मच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लैनेट. दिस इज़ मेनली बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज. इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एज वेल एज फ्रॉम द सन. क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है पृथ्वी से और सूर्य से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं रखते. नेक्स्ट वी हैव माइनर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम सन द 8 planets एंड देयर एसोसिएटेड मून्स आर ऑल्सो सम अदर माइनर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. सूर्य से और 8 planets से अलग उनके मून्स के अलावा भी बहुत सारी माइनर बॉडीज़ हैं जो सोलर सिस्टम में हैं. दीज आर एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स. वी नाउ टॉक ब्रीफली
अबाउट दीज माइनर बॉडीज, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सॉरी, एस्ट्रॉइड्स, दीज आर द वेरी स्मॉल प्लैनेट्स एंड प्लैनेटॉइड्स दैट आर फाउंड मेनली इन ए बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं या ग्रह या उपग्रह बोल सकते हैं हम इनको, जो कि मिलते हैं बेल्ट में बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में. ईच एस्ट्रॉइड हैज़ इट्स ओन ऑर्बिट, हर एक एस्ट्रॉइड का इसका अपना ऑर्बिट है. टेकन टुगेदर द ऑर्बिट्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस. इनको अगर इकट्ठा देखा जाए ऑर्बिट्स को सभी को, वो स्प्रेड हैं एक लार्ज डिस्टेंस तक. फॉर्मिंग ए बैंड, ये क्या करते हैं, एक बैंड को फॉर्म करते हैं. एस्ट्रोनोमर्स हैव डिस्कवर्ड द मोर देन 500 एस्ट्रॉइड्स विच आर लार्जर देन द 48 किलोमीटर इन डायमीटर. एस्ट्रोनोमर जो हैं डिस्कवर करते हैं 500 से ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स को जो कि लार्जर हैं 48 किलोमीटर डायमीटर में. सीरीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स डिस्कवर्ड टिल नाउ. जो सीरीज है वो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स है जो अब तक की डिस्कवर किया गया है. कोमेट्स, द नेम कोमेट मीन द हेरी स्टार. कोमेट का मतलब है हेरी स्टार. द कोमेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड आइसी कैलेस्ट्रियल बॉडीज रिवॉल्विंग राउंड द सन. कोमेट्स जो है रिलेटिव छोटा सा और आइसी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं जो सन के चारों ओर घूमती हैं. व्हेन ए कोमेट इज नियर द सन, जब कोई कोमेट जो है उच्छल तारा भी बोलते हैं इसको, वो सूर्य के पास होता है. सम ऑफ द आइस ऑफ इट्स टर्न इनटू गैस, कुछ आइस जो है इसकी वो गैस में बदल जाती है. द गैस एंड द लॉस डस्ट फ्रीड फ्रॉम द आइस क्रिएट लॉन्ग इलेमिनेटेड टेल दैट स्ट्रीम बिहाइंड द कोमेट. जो आइस है इसकी वो जो गैस में बदलती है तो उससे क्या है इसकी पूंछ टाइप सी बन जाती है. अप्रोक्सीमेटली 2000 कोमेट्स हैव बीन ऑब्जर्व ओवर ए ईयर. 2000 कोमेट्स के अराउंड एक साल में हमें ऑब्जर्व की जा सकते हैं. कोमेट्स आर विजिबली ओनली व्हेन दे आर नियर द सन. कोमेट्स जो हैं तभी दिखाई देते हैं जब सन के पास होते हैं. दिस इज बिकॉज द इंटेंस सोलर हीट वेपराइज पार्ट ऑफ देयर आइसी मैटर एंड क्रिएट्स देयर करेक्टरिस्टिक इलेमिनेटेड टेल. ये तभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी के कारण इनके जो आइसी पार्ट हैं वो वेपराइज हो जाते हैं और वो इलेमिनेटेड टेल बनाते हैं तो वो तभी विजिबल हो पाते हैं. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आप आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.